दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोटल 5 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले IRCTC, दीपक नाइट्रेट, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया और इन्हीं सबके साथ में यहां पर जिस एक और शेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ दोनों, इन पांचों शेयर्स को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं IRCTC के साथ में, जहाँ पर आज के दिन आपको 7.5% तक की शानदार मूवमेंट देखने को मिल चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको काफ़ी टाइम से इस शेयर के लिए रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, जब ये शेयर्स आपको लगभग 2500 रुपये के लेवल पर भी देखने को मिल रहा था, उसके बाद 3000, उसके बाद 3500-4000 रुपये के लेवल्स पर भी जब ये आपको देखने को मिल रहा था, तब से लेकर मैं आपको इस शेयर्स के अंदर रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। और यहां पर मैंने आपको कहा भी था कि ये शेयर्स आपको स्प्लिट के पहले ही 5000 रुपए के लेवल्स पर देखने को मिल सकता है। और फाइनली आज के दिन हमें IRCTC के अंदर 3 बड़ी अपडेट्स भी आते हुए देखने को मिल चुकी है, जिसमें सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं IRCTC टू स्टार्ट अ स्पेशल भारत दर्शन टूरिज्म ट्रेन। जैसा कि आपको बताया कि फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर फेस्टिवल सीज़न में IRCTC की तरफ से भारत दर्शन ट्रेन चलाई जा रही है। और ये जो भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है ये 8 अक्टूबर 2021 से चलाई जा रही है, यानी कि परसों के दिन से आपको ये ट्रेन चालू होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ये ट्रेन स्टार्ट करने जा रही है। सेकेंड बड़ी अपडेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज टू एड एक्स्ट्रा कोचेस टू 27 पेयर्स ऑफ ट्रेन अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन के अंदर IRCTC की जो टूरिज्म के साथ साथ जो इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है यानी कि टिकट्स बुकिंग से, तो वहाँ पर कंपनी 27 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स के अंदर इंक्रीज करने जा रही है। कोचेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं उनकी नंबर्स भी यहां पर बढ़ने वाले हैं, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट भी IRCTC को मिलने वाला है। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट्स की बात करें तो यहां पर एक्सपर्ट्स की अगर माने तो IRCTC का शेयर पिछले एक साल के अंदर ही आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। और अगर हम यहां पर पिछले एक वीक की बात करें तो लगभग 20% तक के रिटर्न्स हमें यहां पर देखने को मिल चुके हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न है कोविड के केसेस जो यहाँ पर कंटिन्यूसली बेसिस पर डिक्रीज हो रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई है और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक रिकवरी भी बहुत ही शानदार अब हमें देखने को मिल रही है। इन्हीं सब के साथ में IRCTC ने जो लग्जरी क्रूज़ लाइनर यहाँ पर स्टार्ट करी है 18 सितंबर से, इसका भी बहुत ही शानदार आउटकम्स अब यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में जिसका नाम है कॉल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कॉल इंडिया लिमिटेड के अंदर भले ही आज के दिन आपको 3% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कॉल इंडिया लिमिटेड के जो टारगेट हैं वो 250 प्लस के यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट्स कॉल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आते हुए हमें देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कल ही के दिन ये लेट नाइट न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कॉल इंडिया लिमिटेड्स बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अ प्री फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट फॉर सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट इन ओडिशा। तो यहाँ पर कंपनी जो एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट ओडिशा के अंदर स्टार्ट करने जा रही है उसको फाइनली बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, और इसका बेनिफिट यहाँ पर हमें Q3 के रिजल्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्स अभी आपको अप्रोक्स 50% डिस्काउंट की प्राइस पर मिल रहा है, यानी कि 400 रुपये की वैल्यू वाला शेयर अभी आपको 200 रुपये पर देखने को मिल रहा है, तो इसे बिल्कुल भी यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड जहाँ पर आज के दिन आपको कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन बात करें कि बजाज फाइनेंस की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के Q2 के रिजल्ट के नंबर्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर बात करें बजाज फाइनेंस की कस्टमर फ्रेंचाइजी के बारे में तो वहां पर जो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो लगभग 19.7% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर बजाज फाइनेंस की तरफ से निकल कर आ रही है, और एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि Q2 के रिजल्ट में आपको
जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत तेजी से ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस की जो डिपॉजिट्स है उसके अंदर भी हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 28,700 करोड़ रुपए की डिपॉजिट्स यहां पर रिकॉर्ड करी गई है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में 21,669 करोड़ रुपए की थी। यानी कि ओवरऑल अगर आपने बजाज फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को भी लॉन्ग टर्म पर्पस से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों बात कर ले अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आज के दिन यहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और उसी के बाद आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर लगभग 2% तक की गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। हालांकि इस गिरावट के पीछे ऐसी कोई बड़ी वजह निकल कर नहीं आई है जिसके कारण आप रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पैनिक लें। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया है और साथ ही साथ इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी 16.46 लाख करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है। साथ ही साथ अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसा कि आपको बताया गया ऑल ओवर इंडिया की नंबर वन कंपनी है ये, जिसके फाइनेंशियल रिजल्ट हमें जून क्वार्टर के जो देखने को मिले थे उसके अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जिस प्रकार के पिछले एक महीने से हमें शेयर्स के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, फाइनली यहां पर क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर बहुत ही शानदार तेजी आने की उम्मीदें हैं। तो यहां पर अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जैसा कि मैंने आपको आईआरसीटीसी के लिए भी काफ़ी टाइम से इस शेयर्स को पिक करते हुए आ रहा हूं, यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री को भी आप 3,000 रुपए तक के टारगेट इस शेयर्स के अंदर आने वाले 6 महीनों में लेकर चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। जी हां दोस्तों, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, जहां पर अगर आपने पोजीशंस बनाए रखी है तो अब आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करने का मन बना लीजिए, क्योंकि वापस हमें इस शेयर के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से जब से आपको दीपक नाइट्रेट के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, तब भी मैंने आपके लिए यहां पर वीडियो कवर करी थी और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको अपडेट किया था कि दीपक नाइट्रेट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर इस गिरावट से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उसी को देखते हुए आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर शानदार ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है और 8% तक की शानदार रैली भी दीपक नाइट्रेट के अंदर आज के दिन रिकॉर्ड करी गई है। अगर आप दीपक नाइट्रेट का यहाँ पर ट्रेडिंग चार्ट भी देखेंगे तो आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर नया 52 वीक का हाई भी देखने को मिल चुका है और इसी के साथ में शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी वापस पूरी तरीके से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने दीपक नाइट्रेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स नंबर्स हैं वो भी स्ट्रांग है और कंपनी आपको डिविडेंड और साथ ही साथ आने वाले टाइम में बोनस जैसी बड़ी अपडेट्स भी आपको शेयर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।